आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल आयुर्वेद के चमत्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। तो हम इस वीडियो के बारे में आपको बताएंगे, उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली नई नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो टाइम नंबर बात करते हुए हम चलते हैं बीमारी की ओर। हम आज लेकर आए हैं कमर के दर्द का तेल। जी हाँ, कमर के दर्द का तेल। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको कमर के दर्द के बारे में यानी पैर के बारे में आपको कुछ सामग्री दी थी, कुछ दवाएं बताई थी खाने की, लेकिन अब कुछ लोगों ने हमसे कमेंट्स करके बताया है कि कुछ दवा के साथ साथ आप तेल भी हमें बता दीजिए। अब हम तेल लेकर आए हैं, आप लोगों को ध्यान में रखते हुए हम तेल लेकर आए। तो तेल बनाने की विधि क्या है, उसमें सामग्री क्या पड़नी है, वो हम आपको बताएंगे जल्दी। तो हमारी वीडियो पूरी देखिए जिससे आपको पूरी जानकारी मिल सके, और लास्ट तक देखिए जिससे आपको पूरी तरह से आपको फायदा हो सके। तो सामग्री की तरफ चलते हैं। तो सामग्री आपको क्या लेनी है, सरसों का तेल, नंबर एक सरसों का तेल, नंबर दो आग के पत्ते। आग के पत्ते आप जानते होंगे, जिसे अकौवे के पत्ते भी कहते हैं। अकौवे के पत्ते यानी आम भाषा में उस पौधे को कहा जाता है जब उसके पत्ता तोड़ा जाता है तो उसमें दूध निकलता है, दूध टपकता है, उसमें काले और सफेद रंग के फूल पाए जाते हैं। और थोड़ा सा लेना है, नंबर तीन पर है लहसुन, लहसुन के जवे लेने हैं। तो तीनों चीजें आपको लेनी है। अब बनाने की विधि कैसे करनी है, बनाने की विधि के लिए आपको सरसों के तेल में जवों को डाल दीजिए और अच्छी तरह से पका लीजिए। जब लहसुन के जवे जल जाए, खूब अच्छी तरह से तेल को छान लीजिए, ठंडा कर लीजिए। अब आपको क्या करना है, अकौवे के पत्तों पर तेल को लगा लीजिए, छह के छह पत्तों पर, और अपनी कमर पर रात को सोते समय बांध लीजिए। ध्यान रहे, जो हमें तेल लगाना है वो तेल पत्तों की खुरदुरी साइड में लगाना है, ना कि चिकनी साइड, ठीक है। तो हम आपको ये बता रहे हैं तेल कहाँ लगाना है, खुरदुरी साइड पर। तो इस तरह से आपका ट्रीटमेंट कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से आपको कई दिन, दो तीन दिन आपको करेंगे और आप देखेंगे दो तीन दिन के अंदर आपका कमर का पैर, कमर का दर्द छूमंतर हो गया। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर कीजिएगा, जिससे आपके हाथों एक सामाजिक कार्य हो सके। और हाँ, एक बात और बताता चलूं, हमारी आने वाली नेक्स्ट वीडियो यानी परसों को हम एक नई वीडियो डालेंगे एक और बीमारी के बारे में, यानी पाया और गठिया के दर्द के बारे में।